करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन जो है वो इमरान खान के साथ बसता है। इस तरह तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी ना आदमी को, ये तो नहीं कि आप समझें कि हम जो मर्जी कर लेंगे। तो ऐसा क्या करे फौज के ये मामला जो है वो पहले मेरे ख्याल में पहली सबसे पहला स्टेप ये करें कि कल ही इद्दत केस के ऊपर माजरत करके इसको विड्रॉ करें। पहला स्टेप तो ये लें और उस पर माजरत होनी चाहिए इमरान खान से भी और बुशरा बीवी से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देख रहे हैं निगबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान थे इमरान खान। कांग्रेचुलेशन टू आल पीटीआई, आल लॉयल पाकिस्तानीज। रेजोल्यूशन नंबर 901 कांग्रेस से मंजूर हुई है, 368 फेवर में, 7 मुखालफत में आए। उस सिलसिले की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। ये थे जी जो डब्बू साहब, एकदम ही निकले हैं सीधा दिल्ली के, भी इंटरव्यू हो रही है इसका वॉइस ऑफ अमेरिका पे। इसने कहा जी मुझे मेरे करंट लगाया गया, मुझे मारा गया, तशद्दुद किया गया, मेरा पासवर्ड ले लिया गया। जो ट्वीट आया था वो हाजिर सर्विस ने किया था, फौजी ने इसने किया, हाजिर सर्विस ने किया था वगैरह वगैरह। अली जैदी भी आ गया है, इस्माइल भी आ गया, ये सारे जो बड़े घर से लग के आए ना, समझते ना, जाओ मझ बोल पे इन लुवा लिया हो या बकरी बोल पे इन लुवा लिया, ये वो वाले ये लग के बड़े घर से आए हैं, तो इनको चलो ही नहीं के हाल पे छोड़ दो। एक बात, दूसरा एहतजाज के जी शहबाज शरीफ है तो ये बगैरत गंदी नस्ल के, उमर अयूब चलो थोड़ा सा बोला, वो हरामी पिला पता नहीं इसको यार, मेरे क्या यार मैं गालियाँ दूँ इसको, बंदों की पहचान नहीं। वो गोहर यूब चमचा सी आई ए का, ISI का उसको, अच्छा यार चलो फिर भुगत, आप ही भुगते, भुगत रहा ना गर्मी में गुजार रहा ना, ओवन में गुजार रहा है ना, अकल नहीं आ रही यार, अब उसकी मदद आई है। अच्छा जी हम आते हैं उसके मुतलका के ऊपर। तमाम TV चैनल को कहा इस मौजू पर बात नहीं करनी, कितने थे वो 128 थे मेरे ख्याल, जिनको तो इन अदालत के होते हैं, वो फैसल वाडा ने माफ़ी मांग ली, वो पॉलिटिक्स में आएगा। एक बात, दूसरा बात, मुशाहिद हुसैन सैयद को एक दिन के लिए नज़रबंद कर दिया, नज़रबंद कर लिया, बाहर नहीं जा सकते। अच्छा जी, और आप जो है ना ये किसी को इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। अच्छा जी, और मैं तो आपकी तरह सीधे टली की तरह, मैं तो आपका बंदा, उन्होंने कहा बढ़ गया सीधा टली, जिथे भी गया वो गया, लेकिन आपने किसी को किसी भी किस्म की इंटरव्यू नहीं देना। अच्छा जी, ये 3901 के वाले से हमारे वो जो उसके ऊपर है ना, वो मैंने अपना थंबनेल भी बनाया हुआ, तो वो जो है वो देख लीजिएगा, ये थंबनेल हमारा ये है जी, ये थंबनेल ठीक है जी, इसी के हवाले से बनता है। फासिज्म, ह्यूमन राइट्स, नेपोटिज्म, ये जो है यहाँ पे हो रहा है मुल्क में। अच्छा जी, डब्बू साहब करे माफ़ी मांगने, उन्होंने कहाँ से माफ़ी मांगनी, चलो उसने कह तो दिया ना, नंबर भी तो डाल दें। अच्छा जी, फिर क्या भाई, इसमें कितने 5 निकात इम्पोर्टेंट है, ये आज की नहीं है, 2 ब्रेकिंग न्यूज़ हुई हैं जे कि TV वालों को रोक दिया, मुशाहिद हुसैन सैयद, और आज ही बरी हुई, मैं पहली पेशी मेरा माही हो गया बरा, कि उसको गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया था, यानी छोड़ देना मैंने पता, मुल्क की खातर छोड़ता हूँ, ये हम कन पक के 65 साल तो सुन सुन के, मुल्क की खातर ये है, तो मुल्क की खातर जब हुक्म आ गया मेरी बेटी चोरी करे तो मैं हाथ खुद काटूँगा, या मैं खुद कटवाऊँगा, या उसका भी हाथ काटा जाएगा, तो तू मामा होना माफ़ करना, चल बड़े भांडे दे बेच, बस मुतनफत होता जा रहा हूँ। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, बात किधर से किधर चलेगी, वो जो है ना उन्होंने कहा गैर कानूनी, इसको गिरफ्तार किया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर कानूनी, इन्हें चढ़ देना, शीरी मजारी को गिरफ्तार किया था, आज उसका फैसला आया क्यानी ने छा गया रगड़ देता, वो के ऊपर चल रहा क्यानी का और अतर मिनल्ला की ट्रोलिंग हो रही, कि पहले इमरानडू जज ने इमरान या इमरानदार जज है वो भी बरी हो गए, तो उसका भी कि आपने किसी को इंटरव्यू इस बारे में नहीं देना,
आपने, आपकी बेटी ने वादा किया था मामा पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, जब गिरफ्तार किया था ना, तो वो जब कह जी आप पॉलिटिक्स में आएंगी, तो धी बोलती पे सी, उस वक्त उसकी शादी भी नहीं हुई थी, बाद चो चीमा साहब ने हथ मारे। हाँ जी चीमा ही, मेरे ख्याल चट्टा चट्टा या चीमा वजीराबाद का, मेरे दूर पर एक रिश्तेदारों का रिश्तेदार। अच्छा जो आके बताता है ना, मैं आया तो मैं ईमानदारी ना ब्याह की था, मैं फसाल ही है यार, वो काबू नहीं से आती, फसाल ही है भी फसाल ही, उन सारी जायदादें ही मालिक बनना है। अच्छा जी शीरी मजारी पे भी बयान लगे, फटाफट चले, बीच में मीठा भी डाल रहे थे ना। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों पार्टियों ने कि ये मिक्स थे, हाँ जी कली एक पार्टी नहीं, वो मुशाफ हुसैन सैयद का आता है, या वो बाकर जदी साहब का आई लव यू टू, उसने कहा था 5 तारीख को कहा आएगी एक बस, तो फिर वो देखेंगे, निकालो यार इसकी फाइल, ये लगता है ज्यादती होगी, निकालो यार देखो कोई गुंजाइश है तो कर दो। इससे मिलती जुलती शायद हुसैन सैयद ने मेरी बातचीत कर रही खुशी से, कि उन लोगों का भी शुक्रिया, वो डॉक्टर एसोसिएशन बनी हुई है, ये भागे भागे फिर रहे थे तो उनके पासपोर्ट भी ब्लॉक कर रहे हैं, और ये एक दिन में नहीं हुई रेजोल्यूशन दी, सबको बांटी चली वहाँ पे, हमारी ताशी जो इंटेलिजेंस के बंदे, उन्होंने बताया जी दाल में कुछ काला काला है कांग्रेस में, फिर भागे भागे इन्होंने भरपूर तरीके से आज फिका सा जवाब दिया कि हमारे आप अंदरूनी मामला में मुदाखलत कर रहे हैं, ये नहीं तो वो नहीं, तो उन्होंने टोक बजा के तुन तुना के रखा, बीच में लिखा 1948 को सर जफरुल्ला खान ने जो साइन किए थे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फलाना टमकाना था, अमेरिका ने खुशनूदी का इजहार किया था। अच्छा जी फिर क्या बात हुई जी, अच्छा जी ये भी बात हो गई, फवाद चौधरी ने को तो मैंने आपको बता दिया, उसने इंटरव्यू दिया बड़ा दिलचस्प से का, पुराना हो जाए 12 घंटे बाद आ जाए, तो हमने तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है देनी ना। अच्छा जी अब क्या सूरत हाल है, इन्होंने बड़ा माइंड किया, भागे भागे बैसी में गए, साका डालर नहीं, वो तू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो उधर जाके उन्होंने साम। अच्छा जी वो गिलानी थे जिलानी थे गिलानी है सैनेट वाला नहीं, जो दूसरा जो इंटरिम गवर्नमेंट भी था वो भी तो जहाँ जहाँ किसी का भागा, अमेरिकन एम्बेसी में भागे भागे गए, सर जी ये करो सर जी वो करो वो फलाने, आपको देंगे मेहर बुखारी भी आएगी आसमा शिराजी भी आएगी, वो हिना चौधरी का कौन है वो भी आएगी, जो डांस वहाँ जाके अमेरिकन डे पे करती कुर्ती।